हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। इस वीडियो में हम लोग अगेन टू पजल्स को कवर करने वाले हैं। एक आपकी डायरेक्शन बेस है, दूसरी आपकी फ्लोर पजल है। सो ये हेल्पफुल होने वाली है आपके आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के लिए एंड जो आपका आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ आएगा उसके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इतना आसान भी नहीं है कि आपके आईबीपीएस पीओ में ना पूछे जाएँ और इतने टफ भी नहीं है कि आपके आरआरबी क्लर्क में ना पूछे जाएँ। ओके सो अब आपको पता है जैसे जैसे शिफ्ट चेंज होती है आपको हर पैटर्न की प्रिपरेशन जो है वो करके चलनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड मैंने आपके जो क्वेश्चंस एज अ होमवर्क में है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रखे हैं, तो उनको भी आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है हिंदी एंड इंग्लिश, जो लैंग्वेज आप प्रिफर करते हैं उस लैंग्वेज में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद अपनी जो टाइमिंग है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी जो पजल्स हैं उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उसी के हिसाब से फिर मैं लेवल को आगे इंक्रीज करूं। राइट सो आई होप आपने इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लिया होगा। तो अब मैं इसे आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ एन जी आर प्लेइंग प्लेइंग अ गेम इन अ पार्क। तो यहाँ पे आपके जो 7 पर्सन हैं वो एक पार्क में गेम खेल रहे हैं। ईच ऑफ देम इज स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस अमंग 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 11 मीटर एंड 13 मीटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके 7 फ्रेंड्स हैं ये आपके कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं और कुछ डिस्टेंस जो है वो ऐसे गिवन है कि आपका 2 मीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर का है, 5 मीटर, 7 मीटर, 11 मीटर और 13 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज डिस्टेंस आर बिटवीन द पर्सन स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। तो दीज डिस्टेंस आर बिटवीन, तो ये जो डिस्टेंस है ये उनके बीच में है जो एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे P है, ये Q है और ये R है, राइट? तो अब जो 2 से लेके 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ये जो आपके नंबर दिए हैं ये आपके किसके कैसा डिस्टेंस होंगे, जैसे कि Q और R के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन नंबर्स में से हो सकता है। क्यों? क्योंकि Q और R जो है वो एडजेसेंट है, एक दूसरे के पास बैठे हैं, इनके बीच में कोई नहीं बैठा है। सेम आपके जो ये वाले नंबर है इनका इनका जो यूज है वो किसमें हो सकता है, आपका P एंड Q के बीच के डिस्टेंस में। लेकिन P से लेके अगर R का आपका डिस्टेंस पूछा जाए तो वो नंबर जो है वो आपका ये वाला नंबर नहीं होगा, क्योंकि P और R जो है वो एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में क्यों बैठा है। ठीक, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपका जो ये नंबर जो है, ये जो वैल्यू गिवन है, इनका यूज कैसे करना है, सिर्फ उन्हीं के संग जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट है। फिर कह रहे हैं 2 पर्सन आर सेड टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर ओनली इफ 1 पर्सन इज 2 पर्सन आर स्टैंड होगा, ओके, टू ईच अदर ओनली इफ 1 पर्सन इज टू द इमीजिएट नॉर्थ और इमीजिएट साउथ और इमीजिएट ईस्ट और इमीजिएट वेस्ट ऑफ एनदर पर्सन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पर्सन आपके सब खड़े हुए हैं तो उनका जो यूज है, सॉरी, जो आपके पर्सन खड़े हुए हैं तो उनके बीच का जो आपका डिस्टेंस है उनको आप कैसे फाइन करेंगे। जैसे कि इनका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये बोला गया है कि 3 मीटर की दूरी पे है, तो 3 मीटर की दूरी का आपको यूज कैसे करना है कि आपका जो ये वाला पर्सन है ए और बी, ठीक है, ये कैसे खड़े हो, नॉर्थ में खड़े हो, नॉर्थ का मतलब जो बी है आपका ए से नॉर्थ में हो और 3, 5, 7, 11 और 13 इसके डिस्टेंस पे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो बी है वो कैसे हो, आपका ईस्ट में हो, या फिर जो बी है वो कैसा है, आपका वेस्ट में हो, या फिर वो साउथ में हो। लेकिन जो ये डिस्टेंस है इनका यूज कैसे में नहीं होगा कि आपका ए से लेकर बी की जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या हो, आपकी नॉर्थ ईस्ट हो। अगर नॉर्थ ईस्ट हुई तब आप देखेंगे तो इन जो नंबर है इनका यूज आप नहीं करेंगे। तो ये जो आपका नंबर का यूज करना है ये कैसे करना है, आपका जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़े होंगे उनके लिए करना है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट इसमें नहीं करना है। ओके चलिए अब देखते हैं, सी इज टू द नॉर्थ ऑफ डी हु इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जी। तो सी इज टू द नॉर्थ ऑफ डी, तो सी जो है वो नॉर्थ में है डी के, तो उसको लिख लेते हैं कि सी जो है वो कैसा है आपका, नॉर्थ में है डी के। अभी हमें डिस्टेंस नहीं पता है तो अभी इसे छोड़ देते हैं। हु इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जी, डी के बारे में कह रहे हैं कि ये 5 मीटर है किसके, वेस्ट में जी के, तो जी के वेस्ट में है, यानी कि जी कैसे होगा इसका, आगे की तरफ होगा, राइट? तो आगे की तरफ ले जाओ इसे, जी यहाँ पर होगा और 5 मीटर का आपका गैप होगा। अब देखो 5 का यूज कर लिया है तो एक बार इसको लिख लो यहां पे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो 5 का यूज कर लिया, इसे हटा दो। फिर कह रहे हैं
बी इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, तो बी जो है वो आपका वेस्ट में है एफ के, लेकिन अभी आप देखोगे बी और एफ किसी का भी यूज आपने इस डायग्राम में करा नहीं है, तो अभी आप फिक्स कर नहीं सकते, तो आप अभी अलग से लिख लो कि बी जो है वो वेस्ट में है एफ के. एंड कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई इज 24 मीटर, तो बी एंड ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 24 मीटर है. अब आप देखो 24 मीटर का जो नंबर है वो आपका इन नंबर में नहीं दिया गया है, इन नंबर में नहीं दिया गया है, इसका मतलब बी और ई के बीच में कोई ना कोई पर्सन जरूर आएगा, ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि जो एडजेसेंट होंगे उनके बीच में तो इन नंबर का यूज होगा ना, ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखना कि बी और ई के बीच में कोई पर्सन जो है वो जरूर आएगा. फिर आगे कह रहे हैं एफ इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू सी एंड डी, तो एफ जो है वो स्टैंडिंग है किसके, एडजेसेंट टू सी एंड डी, यानी कि इनके बीच में कहीं बैठा है, सो इनके बीच में हम कहीं बैठा देते हैं. देन ए इज 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ, तो ए जो है वो 2 मीटर नॉर्थ में है, सॉरी बी, तो ए जो है वो बी के 2 मीटर नॉर्थ में है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि बी के 2 मीटर यहां पे नॉर्थ में है ए, ठीक. फिर द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी, तो एफ और डी का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से जो आपका सी और एफ का डिस्टेंस है वो क्या है, आपका लेस देन है, राइट. तो इसमें लेस देन का साइन लगा लो और इस तरीके से देख लो कि एफ और डी का जो आपका डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू सी एंड एफ. फिर गिवन है ई इज टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ जी एंड ईस्ट ऑफ एफ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ई इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, तो ई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है और ईस्ट में है एफ के. तो देखो ई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, इसका मतलब आप देखोगे यहाँ पे इस डायरेक्शन को देख सकते हो कि ये आ गया नॉर्थ और ये क्या हो गया आपका ईस्ट, यानी कि जो ई है वो किधर की तरफ होगा, वो आपका इधर की तरफ कहीं होगा. दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि ईस्ट ऑफ एफ, ये ईस्ट में है एफ के, यानी कि इनकी जो लाइन है वो क्या होगी, आपकी एक ही लाइन होगी. तो यहाँ पे आप देख लिया होगा आपने कि आपका जो ई है वो यहाँ पर आएगा, बिकॉज आप देखेंगे जी के इस साइड में, ओके, जी के आपका नॉर्थ ईस्ट में ई आ जाएगा, राइट. इसी के संग आप देखेंगे कि आपका एफ जो है एफ के ईस्ट में आ जाएगा आपका ई. फिर अब आप देखोगे तो यहाँ पे ई से रिलेटेड पॉइंट क्या गिवन है आपका, बिकॉज आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो चुका है, सो ई से रिलेटेड पॉइंट ये गिवन है कि ई और बी के बीच में आपका 24 का गैप आएगा. दूसरी बात आपका एक पॉइंट यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि एफ के वेस्ट में बी आएगा, तो एफ के वेस्ट में बी आएगा, यानी कि एफ के इस साइड में कहीं पर क्या आएगा आपका बी आएगा. एफ बी और ई के बीच में 24 का गैप है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि बी और ई के बीच में जो गैप होगा वो कितने का होगा, 24 का होगा, यानी कि आपका बी और एफ का अगर आप गैप को प्लस करोगे और एफ और ई के गैप को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 24 मिलना चाहिए. तो इसको आप एक बार देख सकते हो कि किन किन आप दो वैल्यू को यहाँ पे प्लस करो तो आपको 24 मिल जाएगा. तो अगर 2 में 3 प्लस करते हो तो 5, 3 में 7 प्लस करते हो तो 10, और बड़ा नंबर लो 7 में अगर 11 प्लस करते हो तो 18, 11 और 13 सिर्फ एक यही दो नंबर ऐसे हैं जिसको अगर आप प्लस करोगे तो आपको 24 मिलेगा. यानी कि बी और एफ के बीच में या तो डिस्टेंस 11 मीटर का होगा या फिर कितने का होगा, 13 मीटर का होगा. सेम एफ और ई के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो या तो 11 मीटर का होगा या फिर 13 मीटर का होगा, ठीक. अगर बी और एफ के बीच में आपका 13 मीटर का डिस्टेंस होता है तो एफ और ई के बीच में 11 मीटर का, एफ और ई के बीच में 13 मीटर का होता है तो बी और एफ के बीच में 11 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक. इन दोनों का यूज हो गया, 2 का यूज हम कर चुके हैं, आप देख सकते हो यहां पे गिवन है कि ए जो है वो बी की नॉर्थ में है और 2 मीटर के गैप में है. सो अभी देखो हम 2 मीटर के बारे में बता नहीं सकते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो 2 मीटर जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. लेकिन अभी आप देखो वैल्यू, वैल्यू क्या देखोगे कि यहाँ पे जो 2 मीटर है उससे क्या कुछ छोटा है, नहीं है छोटा, कुछ भी छोटा नहीं है. इसका मतलब सी और एफ का जो गैप है वो 2 मीटर से तो बड़ा ही होगा. अब 2 मीटर से बड़ा होगा यानी कि आप ए को किधर रखोगे, थोड़ा सा सी के नीचे रखोगे 2 मीटर, ठीक है. क्योंकि आप देखोगे तो सी और एफ का जो गैप है वो 1 मीटर का तो हो ही नहीं सकता ना, ताकि 2 मीटर बड़ा जा सके, बिकॉज 1 मीटर तो गिवन ही नहीं है. तो इसका मतलब आपका सी और एफ का जो है वो 2 मीटर से तो बड़ा होगा, वो हम बाद में देखेंगे कितना बड़ा होगा. तो 2 को यहाँ पे इरेज कर देते है. उसके बाद यहां पे जो कह रहे हैं कि आपका 3 और 7, जो यहां पे 3 और 7 बचा है उसके बारे में देखते हैं. अच्छा, डी और जी के बीच में आप देखोगे यहां पे गिवन है डी हु इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जी, तो इसको आप लिख लेना यहां पे 5 मीटर है, ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे कह रहे हैं 3 और 7, अब 3 और 7 बचे हैं, सो 3 और 7 में हमें किस किस का गैप देना है, एक तो सी और एफ के बीच का, एफ और डी के बीच का. तो आप देखोगे आपका जो एक पॉइंट यहाँ पे ये बचा है कि सी और एफ के बीच का जो गैप है वो कम होगा किससे, जितना एफ और डी के बीच का गैप है. यानी कि सी और एफ का गैप जो है वो कितना होगा आपका, 3 होगा, और एफ और डी का गैप कितना होगा, 7 होगा. इट्स वेरी सिंपल, ओके. तो इस तरीके से आपका जो डायग्राम है वो यहाँ पे बनकर आएगा और इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
जो भी पर्सन इंग्लिश प्रीफर करते हैं प्लीज़ अटेम्प्ट करिए, एंड हिंदी वाले पर्सन भी अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ एंड यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आपका क्वेश्चन आए फ्लोर बेस्ड, रैंक बेस्ड, क्लास बेस्ड, तो उनके वेरिएबल को फिक्स करा करो। अब दिक्कत ये आती है कि अगर आपका फ्लोर भी गिवन है और एजेस भी गिवन है तब किस वेरिएबल को फिक्स करें। देखो तब मैं कहती हूँ दोनों को फिक्स करो, ठीक है। एक को आप जो आपको फेयर डायग्राम बनाना है उस जगह पे लिखो और एक रफ में लिखो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज कभी भी अगर ऐसा आपका कहीं भी गिवन होता है कि ए जो है वो बी के ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा है, तो आप उसे फ्लोर वाले डायग्राम में फिक्स कर दो। और कहीं भी ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो फटाफट उसे जो आपका एज वाला डायग्राम है उसमें फिक्स कर दो। तो इस फिक्स करने से क्या होता है, जो आपकी वैल्यू है उसके संग आपके जो वेरिएबल्स हैं वो फिक्स होते जाते हैं। आपको अलग से अपने पॉइंट नहीं बनाने पड़ते, फिर अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना होता। सो इस फ्लोर बेस्ड एंड जो एज वाला क्वेश्चन है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि दोनों वेरिएबल को आपको कैसे लेके चलना है। सो आप फ्लोर को तो फाइनल फिक्स कर दो यहां पे कि 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। अब जो एजेस है उन एजेस को लिखो। दूसरी बात, एजेस के मामले में हमेशा याद रखना जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है उसे सबसे ऊपर रखोगे और बाकी को नीचे की तरफ आप जो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें लगाते जाओगे। असेंडिंग में मत लगाना, डिसेंडिंग में लगाना तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है वो सबसे मतलब ओल्ड होता है, तो बेहतर है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते जाना, ठीक है। सबसे ऊपर ओल्डेस्ट और सबसे नीचे यंगेस्ट, तो मेन आप इसके जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसका याद रखा करिए। अब देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं 7 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ एन जी, जो 7 फ्लोर बिल्डिंग पे रहते हैं, एंड ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। दियर एजेस जो है वो यहाँ पे गिवन है, जो कि हम लिख चुके हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फिर कह रहे हैं द पर्सन हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर हिज एज इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे वो पर्सन जो कि 5th फ्लोर पे है वो एज, उसकी जो एज है वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। सो आप देखेंगे जो पर्सन 5th फ्लोर पे रहता है अगर उसकी एज 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी एज को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 2 ही नंबर हैं जिनकी एज को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज 42 एंड द सेकंड वन इज 28, ठीक है। खाली 2 ही नंबर हैं, तो आप 2 पॉसिबिलिटीज की बना सकते हो कि एक बार में आप 42 लिख दो 5th फ्लोर पे, एंड दूसरी बार में आप क्या लिख दो, यहाँ पे 28 लिख दो। ओके फिर कह रहे हैं ए हु इज 17 इयर्स ओल्ड लिव्स ऑन 4th फ्लोर। तो ए जो कि 17 इयर्स ओल्ड है वो 4th फ्लोर पे रहता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए दोनों जगह पे, और 17 साल इसकी एज लिख दोगे। दूसरी बात, ए को आप यहाँ जरूर फिक्स करें ताकि आपको खुद पता चले कि मैंने जो 17 नंबर की एज है वो किस पर्सन को दी है, ठीक। देन एज ऑफ सी इज सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड डी। तो सी की जो एज है वो आपका ए प्लस डी करोगे तो आपको किसकी एज मिल जाएगी, सी की मिल जाएगी। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी एंड ए इज सेम बिटवीन ए एंड ई। तो ए और ई के बीच में उतने ही पर्सन आएंगे जितना सी एंड ए के बीच में आएंगे, ठीक है। तो अच्छा अब एक चीज और बताती हूँ, जैसे कि जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन होता है, जैसे कि आपका ऐसा गिवन है कि सी और ए के बीच में उतने ही पर्सन है जितना ई और ए के बीच में होंगे, तो जो इनके बीच में कॉमन वेरिएबल होता है, जैसे कि आप देखोगे सी और ए के बीच का नंबर, ई और ए के बीच का नंबर, इनके बीच में कॉमन कौन सा है, ए कॉमन है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ए जो है वो बीच में आएगा, ठीक। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, मैं जहां तक समझती हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको तो ये चीज खैर रटी होगी, और ये जो चीज है ये आपकी काफी पॉसिबिलिटीज को इरेज करती है। तो आपका सी और ई के बीच में ए कहीं पर आएगा, ओके। फिर आगे कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ डी एंड एफ इज 15। तो आपका डी और एफ के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो एज कितनी आएगी आपकी, 15 आएगी। फिर एफ लिव्स एनी इवन नंबर फ्लोर अबव ई। तो एफ जो है वो कहाँ रहता है, आपका इवन नंबर पे रहता है, ओके। एंड इवन नंबर पे रहने के साथ ये किसके ऊपर रहता है, ई के अबव कहीं पे रहता है। देन सी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एफ। तो सी जो है वो एफ से भी अबव रहता है, तो उसको भी यहीं पे लिख देते हैं इसी के संग, ताकि हमें ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करने में समय बर्बाद ना हो। देन डी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो डी जो है वो आपको कैसा आएगा, ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा। उसके बाद बी इज एल्डर देन ई बट यंगर देन जी। तो बी जो है वो एल्डर देन है किससे, ई से, बट यंगर देन जी, मगर यंगर देन है किससे, जी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों आएंगे। उसके बाद
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो एफ है इज नॉट लिविंग जस्ट अबव और जस्ट बिलो बी, तो एफ जो है वो जस्ट अबव और जस्ट बिलो बी नहीं आएगा, यानी कि एफ और बी जो है वो कैसे नहीं आएंगे, आपके एडजेसेंट नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें इसे कैसे फिक्स करना है, तो पहले हम एक बार एजिस को देख लेते हैं कि हम एजिस को कैसे फिक्स करेंगे, या फिर हम फ्लोर को भी देख सकते हैं, दोनों में से आप किसी को भी एक बार फिक्स करके देख सकते हो, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता कि हमें ज़्यादा जो हिंट है वो किस जगह से मिलने वाली है। तो अगर आप अभी एजिस की बात करते हो तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है ए से रिलेटेड कि ए प्लस डी इज इक्वल टू सी आना चाहिए, ठीक है, और डी से रिलेटेड फिर एक पॉइंट और भी गिवन है कि डी और एफ के बीच का गैप जो है वो 15 आएगा। सो हम अभी इसे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, तो हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ए को 17 फिक्स है हमारा, अगर हम लोग डी को यहाँ पे 13 देते हैं टोटल कितना होगा, 17 और 13 यहाँ पर हो जाता है 30, ओके। तो आप देखोगे क्या 30 आप सी को दे सकते हो, नहीं दे सकते बिकॉज आपका 30 फिक्स नहीं है। नीचे की तरफ तो D को देखते हैं, अगर D को हम 11 देते हैं तो अगर हम इसमें 17 में 11 प्लस करें तो यहाँ पे 28 आएगा, क्या 28 एज गिवन है, तो बिल्कुल गिवन है, यानी कि आपका C को हम 28 दे सकते हैं अगर हम D को क्या दे 11 दे। अभी हम बाकी भी यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको भी देखते हैं, अगर मैं 17 में 26 प्लस करती हूँ तो कितना होगा, 6 और 6 12 और एक 13 2 3 और एक 4 यानी कि 43, तो क्या 43 अवेलेबल है, नहीं है, तो यानी कि हम D को 26 नहीं दे सकते। 28 देते हैं तो कितना होगा, 7 और 7 14 और एक 15 दो तीन और एक 4 यानी कि 45, ठीक है। तो क्या आप सी को 45 दे सकते हो, नहीं दे सकते बिकॉज अवेलेबल नहीं है। अगर आप 17 में 42 प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 59। सो यहाँ आप देखोगे 42 में अगर 70 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 59। तो क्या आप सी को 59 दे सकते हो, तो बिल्कुल दे सकते हो। तो यानी कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप डी को 42 दो और सी को कितना दे दो, 59 दे दो, ठीक, दो कंडीशन बन सकती है। अब इसको हटा दो, ये वाला हो गया, इसको हटा दो। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे कह रहे हैं D और F के बीच में 15 का गैप है, सो D और F के बीच में 15 का गैप है तो इजी है, यहाँ पे देखो D 11 को 11 पे गिवन है। अब हम इसे 15 माइनस तो कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली आप 15 प्लस करके देखो, तो यानी कि F को हमें क्या देना चाहिए, 26 देना चाहिए, तो 26 यहाँ पे अवेलेबल है, तो बिल्कुल है, F जो है वो आप उसको क्या एज दे सकते हो, 26 दे सकते हो। तो आप देखोगे 26 और 11 के बीच में 15 का गैप आ जाएगा। अब D को यहाँ पे हमने जहाँ 42 दे रखा है तो 42 में हम 15 प्लस तो कर नहीं सकते बिकॉज ये ऊपर चला जाएगा 59 से, तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो सॉरी ऊपर तो नहीं जाएगा, 57 रहेगा, बट आप देखोगे तो यहाँ पे 57 अवेलेबल नहीं है। एंड अगर आप इसमें 42 में से 15 को माइनस करते हो तो कितना आएगा, 7, एंड 3 में से 1 माइनस करोगे तो 27 आना चाहिए, बट क्या 27 यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी नहीं है। इसका मतलब आपने जो सेकंड कंडीशन बनाई थी डी की 42 पे, वो क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक, इसको भी यहाँ से हटा दो। अब देखो एजेस हमारी ज्यादातर फिक्स हो गई, सिर्फ हमारे ये जो ये वाली एज थी जी बी ई, इनको फिक्स करना रह गया था, तो इनको तो ऐसे ही फिक्स कर दो। यहाँ पे तो साफ कह रहे हैं कि बी जो है वो छोटा है जी से और ई छोटा है बी से, तो यानी कि ई यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा और जी टॉप पर आएगा, ओके, ये तो ईजी है, इसको ऐसे फिक्स कर दो। अब आप आ जाओ सीधे यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसको, सेकेंड वाला डायग्राम है उसको, दोनों को, तो फर्स्ट वाले में 42 गिवन है तो यहाँ पर आना चाहिए बी, और सेकेंड वाले में 28 गिवन है सो यहाँ पर आना चाहिए सी, ओके। एंड इसी के संग यहाँ पे देख सकते हो इसका यूज हो चुका है, इसे हटा दो। इस वाले को देखते हैं कि ई के ऊपर एफ इवन पर आएगा और एफ के ऊपर जो है वो सी आएगा, इसका मतलब यहाँ पर आप जो देखोगे सी और ए के बीच का गैप और ई और ए के बीच का गैप एक सा है, एंड ए जो है वो कैसा आएगा आपका, बीच में आएगा, मैंने अभी आपको ये बताया था, यानी कि आप देख सकते हो सी जो है वो ई के ऊपर आएगा, मतलब सी ए और ई इस तरीके से यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर ये आएंगे तो इनको देखते हैं, ए यहाँ पे फिक्स है, मान लो अगर मैं सी यहाँ लिखती हूँ एक का गैप देके, तो आप एक का गैप देके ई यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं सी यहाँ पे लिखती हूँ सातवें नंबर पे, तो क्या आप ई को यहाँ लिख सकते हैं एक नंबर पे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अभी एक बात सोचो, अगर मैं सी को सिक्स नंबर पे लिख देती हूँ, मान लो सी को सिक्स नंबर पे लिखा, ई को लिख दिया टू नंबर पे, तो एफ जो इवन नंबर जो आपका ई से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ई से ऊपर एफ आएगा जो कि इवन नंबर पे होगा, तो क्या आप एफ को कहीं पे दे पाओगे, आप ई के ऊपर देखो एक तो तीन बचा और एक सात बचा, क्या आप एफ को दे पा रहे हो, बिल्कुल नहीं दे पा रहे हो। इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा, सी जो है वो यहाँ पर आएगा और ई जो है वो यहाँ पर आएगा। अब इसके ऊपर
जो इवन नंबर है उसमें एफ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एफ और बी एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब एफ जो है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ की बात करते हो तो ए और सी आपका गिवन है, ठीक है, सी आपका यहाँ पे फिक्स है, तो सी जैसे यहाँ फिक्स है ई को यहाँ फिक्स कर दो। अब ई के ऊपर इवन नंबर पे एफ आना चाहिए, तो यानी कि एफ कहाँ पर आएगा, आपका सिक्स नंबर पे आएगा, क्योंकि एक यही पोजिशन यहाँ पे गिवन है। दूसरी बात, यहाँ पे ये कह रहे थे कि एफ के ऊपर सी आना चाहिए, ओके। अब एफ के ऊपर सी आना चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो जो एफ है वो सी के ऊपर हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे कट हो जाएगी, इसमें हमारा आंसर निकलेगा, ठीक। इसको यहाँ से हटा दो, इसको भी यहाँ से हटा दो, क्योंकि अब फिक्स हो गया है। F की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 26, उसे फिक्स कर दो। E की 13, उसे फिक्स कर दो। C की कितनी है यहाँ पे, 28, तो उसे फिक्स कर दो। D जो है वो ऑड पर आएगा, सो D यानी कि ऑड पर यहाँ पर आएगा, और जो रिमेनिंग पर्सन बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वो कौन सा पर्सन है, ए बी हो गया, सी डी ई एफ एंड जी, तो जी आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो जी की आपकी एज कितनी है, जी की एज 59 है, उसे यहाँ फिक्स कर दो। एंड डी की जो एज है आपका 11, उसको यहाँ पे फिक्स कर दो। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनकर आएगा। तो बेहतर है कि आप दोनों वेरिएबल को फिक्स करो, क्योंकि अगर आप दोनों वेरिएबल को फिक्स नहीं करोगे तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और क्या कहते हैं आपका जो वेरिएबल फिक्स नहीं हुए होंगे आप, मतलब जैसे कि तीन वेरिएबल आपके गिवन है, अगर आप दो वेरिएबल को फिक्स नहीं करोगे तो तीसरे को फिक्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो बेहतर है क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने से, गलत होने से, कि आप उसमें 30 सेकंड का समय बर्बाद कर लें, ठीक है। और पहली बात, मैं बर्बाद का नाम नहीं दूंगी, क्योंकि इससे आपके 5 नंबर निकल कर आएंगे, ओके। तो अपनी प्रैक्टिस करो, और ये जो 30 सेकंड का समय लगेगा ना आपको, इसको भी डिडक्ट कर दोगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अपनी स्पीड बढ़ा लोगे, ठीक। इसका एक फेयर सॉल्यूशन मैं दिखा देती हूँ। सो फेयर सॉल्यूशन आप इसको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, जैसे कि ई आपका लिस्ट पर आ गया है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ई लिस्ट पर है, फिर एफ डी ए, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ डी ए बी जी एंड सी, ओके। सो ये यहाँ पे एक फेयर सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन। तो ये जो है आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में है, आगे मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, सो जो भी पर्सन जो लैंग्वेज प्रीफर करे उस लैंग्वेज को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्वेश्चन जो है वो कितने टाइम में अटेम्प्ट करा, और कितने टाइम में अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो आंसर है वो क्या आया। दूसरी बात, यहाँ पे जो हिंदी वाले पर्सन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग भी अपना जो आपका टाइमिंग है उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैंने हिंदी में काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है कि इसमें मिस्टेक ना हो, तो आप प्लीज़ ये भी बताइएगा आपको मिस्टेक मिल रही है या फिर नहीं। कोशिश तो मेरी यही है कि आपकी हिंदी में कोई मिस्टेक ना आए, और अगर होती है तो प्लीज़ आप इंग्लिश वाले को सही मानिएगा, और मैं कोशिश यही करूंगी कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। सो यहाँ पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हैं, जो आपकी पजल से रिलेटेड प्लेलिस्ट है इसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मिसलेनियस की जो प्लेलिस्ट है उसको जाके व्यू कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आते हैं तो डेली आप चैनल को रेगुलर यहाँ पे विजिट जरूर करें, क्योंकि डेली जो लेक्चर्स हैं वो डाले ही जाते हैं, राइट। तो आपके जो लेक्चर्स है, जो टॉपिक है वो मिस ना हो, इसलिए आप डेली एक टाइम पे जाके अपना एक टाइम बना लीजिए, उस पर जाके आप कैफ चैनल को विजिट जरूर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।